आपका एक अपेंडिक्स को लेके एक कॉमन मरीज का क्वेश्चन रहता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना जरूरी है क्या, क्या अपेंडिक्स दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता क्या। मैं हूं मिस्टर श्याम एम्स हॉस्पिटल के अंदर, और ये क्वेश्चन हर मरीज अपेंडिक्स को लेके बीमारी होती है तो वो जरूर पूछता है कि मैं दवाइयों से ठीक हो सकता हूँ क्या। क्योंकि जैसे ऑपरेशन का नाम आता है ना, तो मरीज को एक टेंशन हो जाती है कि ऑपरेशन करवाना जरूरी है क्या। देखो, अगर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अपेंडिक्स के बारे में भी, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन किस कंडीशन में करवाया जाता है और किस कंडीशन में आप दवाई ले सकते हैं, चाहे वो दवाई आप एलोपैथिक में ले लो, चाहे होम्योपैथिक में ले लो, चाहे वो आयुर्वेदिक ले लो, जब एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अब ऑपरेशन बहुत जरूरी है, फिर आपका दवाइयां चाहे एलोपैथिक की हो, होम्योपैथिक की हो या आयुर्वेदिक, वो फेल हो जाती हैं। और कई बार आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, दवाइयों पे बिलीव करके दवाइयों पे डटे रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ये बहुत सीरियस बीमारी है, अगर आपको सीरियस वाली प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से पूरे शरीर को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मैं आपको सरल भाषा में अब समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपेंडिक्स क्या होती है। देखो, जो अपेंडिक्स है वो हमारे इंटेस्टाइन यानी आंत का ही एक पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़ी होती है, एक छोटी इंटेस्टाइन यानी दोनों के बीच में जब जुड़ती हैं तो वह एक जंक्शन पाया जाता है, और एक अंगुली के आकार की इतनी ही मोटी होती है जितनी अंगुली होती है, और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक अपेंडिक्स होती है। मोस्टली इंटेस्टाइन का काम होता है डाइजेशन करने का, पर वो खाने में डाइजेशन करने में कोई हेल्प नहीं करती, और मोस्टली उसमें खाना जाता भी नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स होती है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो अब इसको बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, मोस्ट रीजन क्या होता है अपेंडिक्स में होने का इन्फेक्शन, क्योंकि अपेंडिक्स में खाना जाता नहीं है, यानी हमारा जो फिकल है, पोटी है, वो अपेंडिक्स के अंदर जाती नहीं है, पर कई बार वो चली जाती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ वो फिर बाहर नहीं निकल पाती, वहाँ ब्लॉक हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे पेट में, वो भी वहाँ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ थोड़ा सा साइज में वो लार्ज हो जाती है, और वहाँ धीरे धीरे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो खाना है वो कई दिनों तक वहीं पड़ा रहेगा तो फिर वो सड़ेगा ही, और जब सड़ेगा तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन का रूप ले लेगा, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो साइज में बड़ी भी हो जाएगी, साइज में मोटी भी हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, यानी वहां इन्फ्लामेशन हो गया। अब उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, क्रोनिक भी हो सकती है, अक्यूट भी हो सकती है, कभी कभी आपको अचानक पेट में दर्द हो, पहले शुरुआत तो पेट की जो आपकी अम्बलाइकस है, सुंडी है, वहां स्टार्ट होता है, और फिर वो राइट साइड में होता है, फ्रंट में नीचे की तरफ, जहां आप बेल्ट बांधते हो, यानी आपकी कमर पे आप बेल्ट बांधते हो ना, उस साइज में दाईं तरफ दर्द होता है। ये अगर अक्यूट अपेंडिक्टाइटिस है तो सीवियर दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, पेशेंट ऐसे उछल उछल के गिरता है कि मैं तो मरा है ना, मैं नहीं बच पाऊंगा, मतलब दर्द से वो तड़पता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एकदम से वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि वहां बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाते हैं और वहां इन्फेक्शन हो जाता है जब खाना वहां सड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास आते हो तो बस डॉक्टर बाहर से देख के पेट को राइट साइड की बजाय वो लेफ्ट साइड में भी हाथ रखेगा ना, तो उसको दर्द होगा बहुत तेज। उस कंडीशन को डॉक्टर देखते ही आपको कुछ जांच करवाता है और सीधा बोलता है कि ऑपरेशन करना है। और एक क्रोनिक अपेंडिक्टाइटिस है, धीरे धीरे दर्द हो रहा है, कुछ टेंडरनेस महसूस हो रहा है, हल्का बल्का बुखार भी आता है, आपको डायग्नोस करेंगे तब पता चलेगा, जिसमें वो जांच करवाते हैं, एक तो ब्लड की डॉक्टर जांच करवाता है जिसमें देखता है कि WBC इन्फेक्शन जैसे होते हैं वो बढ़े हुए हैं क्या, दूसरा जांच करता है सोनोग्राफी से आराम से विजिबल हो जाती है अपेंडिक्स, और उसको देख लिया जाता है कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है क्या, नॉर्मल से बढ़ी हुई दिखेगी, वहाँ सूजन दिखेगी, तो डॉक्टर आराम से पता लगा सकता है। ये अपेंडिक्स हमारी हमेशा घूमती रहती है, तो कई बार ये छुप जाती है, तो हमें CT स्कैन भी करना पड़ता है या MRI। CT स्कैन से 100% पता चल जाता है कि आपकी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, पर कई बार प्रेगनेंसी में CT स्कैन नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम MRI की तरफ पहुंच जाते हैं, तो MRI करवा के देख लिया जाता है। तो ये तो होगी जांच के बाद। अब ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको इंतजार था, ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या। तो यार इलाज मैंने बताया कि अक्यूट है, आपको आज ही अचानक दर्द हुआ और इतनी तेज दर्द हो रहा है, तो फिर आपको ऑपरेशन ही करवाना चाहिए। क्यों ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्योंकि वो अपेंडिक्स आपकी इतनी सीरियस हो गई एकदम से, वो फटने वाली है, समझ रहे हो आप, फटने वाली है,
और वो फटेगी तो आपका वो पूरा इन्फेक्शन है ना, आपका पूरा पेट में फैल जाएगा। अब आपका किडनी में भी जा सकता है, आपके लंग्स में भी जा सकता है, ठीक है, आपके अगर महिला है तो उसके यूट्रस में भी जा सकता है, अंडाशय में भी जा सकता है। अगर वो सभी जगह अगर इन्फेक्शन फैल गया और अगर वो ब्लड में भी पहुंच गया तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, आपकी डेथ निश्चित है, क्योंकि इतना सीरियस इन्फेक्शन होता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलता है, और आपको किस सावधानी के रखने के लिए बोलता है कि आपको कभी भी गर्म चीज वस्तु से सेक नहीं करना। अगर हल्का फुल्का शुरुआत में कई बार दर्द होता है ना मरीज को, कि उसको बोलते हैं हम क्रोनिक कंडीशन, धीरे धीरे सीरियस बढ़ता है। शुरुआत में हल्का सा होता है, खाना जाके फंसता है, थोड़ा सा उसको पेट टाइट होता है, गैस से बनती है, दिक्कत सा होता है, कभी वो कन्फ्यूज़ होता है कि यार मुझे ये अपेंडिक्स का दर्द है या नहीं है। पर एक खासियत मैं बताऊँ, अपेंडिक्स का दर्द कंटिन्यूस होता है, आज हो रहा है तो कल भी होगा, परसों भी होगा, रुकेगा नहीं कि आज हुआ 7 दिन नहीं हुआ। अपेंडिक्स का दर्द हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कम सीरियस वाला है तो कहीं आप गर्म पानी का सेक, गर्म बोतल का सेक भी कर लेते हैं, ये आम है हमारे समाज में कि दर्द हो रहा है तो गर्म पानी का सेक लो। तो देखो बॉस, अपेंडिक्स का दर्द है और तो आपको गर्म पानी से कभी सेक नहीं करना, क्योंकि वो गर्म होके फट सकती है, और फट गई तो मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी अगर आपको दाईं तरफ और लोअर पेट के नीचे की तरफ, जैसे जिस साइड लीवर होता है यानी दाईं तरफ नीचे की तरफ दर्द हो रहा है, तो आपको ठंडे पानी से सेक कर सकते हो या बर्फ का सेक कर सकते हो, जिससे आपको आराम मिलेगी। ऐसी कंडीशन में कभी दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए। देखो अगर मान लीजिए आपने दर्द की दवाई ले ली है और आपको दर्द नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन नहीं हो रहा, इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा, कि अपेंडिक्स दर्द की दवाई से फटेगी नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा, दर्द होगा नहीं और अपेंडिक्स फट जाएगी और वो फट के पूरे ऑर्गनों में फैल जाती है, फिर आपको बहुत बड़ी सर्जरी करवानी पड़ती है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचोगे या नहीं बचोगे। इसलिए अगर वो क्रोनिक कंडीशन में है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हो रहा है, अब भी कोई ज्यादा सीरियस आपको कुछ सिम्टम्स नहीं आए, मतलब इन्फेक्शन है, तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है एलोपैथिक में, तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में भी ऐसे ही एंटीबायोटिक जैसी ही दवाइयां होती है, जिससे क्या उस इन्फेक्शन को कम कर दिया जाता है, पर जड़ से तो वो खत्म नहीं कर सकते। आपको मैं एक सिंपल भाषा में और समझाना चाहूं कि आप सोचो कि यार आपका दूध या कोई सब्जी सड़ गई, अब उसको क्या फ्रिज में रखते होगे तो क्या ठीक हो जाएगी? वो नहीं होगी ना। फ्रिज में हम सही को रख सकते हैं और लंबे समय तक वो सही बनी रहे, पर सड़ी हुई चीज को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो क्या वो ठीक हो जाएगी? क्या नहीं ठीक होगी मेरे बॉस? तो आपको अंत में आके कभी ना कभी तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है, आप इसको समझोगे, और आपको कभी भी दर्द की दवाई नहीं लेना, इस बात का आप ध्यान रखना। और इसकी दो टाइप से सर्जरी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक तो हम कट लगा के उस अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल दें, दूसरा होता है एक लैप्रोस्कोपी, जिसमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं 3 या 4, और कैमरे से देखा जाता है, और डॉक्टर बाहर से देख के उस छेद में से जाती है, एक रोबोटिक सर्जरी की तरह ही होता है, और वह उसको काट के बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये तो है कि आप अगर टाइम पे आ जाते हो, रैप्चर नहीं होती, ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपकी रैप्चर हो गई तो फिर आपको एक बड़ा कट लगा के उस अपेंडिक्स को और अपेंडिक्स के आसपास की जो आंत है ना, उनको भी निकालनी पड़ जाती है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके और ऑर्गनों में इन्फेक्शन नहीं होगा। जो पेरिटोनियम केविटी के अंदर जो बड़ी आंत, छोटे आंत, लीवर, पैंक्रियाज, जो सब होते हैं ना, इनमें सब में इन्फेक्शन हो जाएगा और आप एक सीरियस कोमा की तरफ चले जाओगे, आईसीयू जैसे वेंटिलेटर पे चले जाओगे। अगर आप टाइम पे इसका इलाज कराते हो तो आपको 2 दिन में छुट्टी मिल जाती है। अपेंडिक्स का लैप्रोस्कोपी से बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, डॉक्टर आधा घंटे में ऑपरेशन कर देता है और उसके बाद में आपको छुट्टी मिल जाती है 2 दिन में। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो बहुत सारे मेरे वीडियो हैं, उनको आप देख सकते हो। इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।